हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है होम एंड मच मोर में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ यूजफुल किचन टिप्स। तो सारी टिप्स किचन वाली ही है, अच्छी अच्छी टिप्स हैं, आई होप आपको पसंद आएगी। अगर आप किचन टिप्स देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, शायद आपके लिए कुछ यूजफुल आपको इसमें मिल ही जाएगा। सबसे पहली टिप है एप्पल से रिलेटेड। जब भी हम फ्रूट्स खरीदते हैं जैसे कि एप्पल, तो हम इसे वॉश किए बिना तो खाते नहीं हैं। लेकिन आपने बहुत सुना होगा कि एप्पल्स के ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस लगा हुआ होता है जो खाने के लिए बिल्कुल सही नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और कई बार चाकू से स्क्रेप करने पर ये निकलता भी है। अब एक एक एप्पल्स के पीछे ये सारी चीज़ें चेक करने से अच्छा ऑप्शन है कि आप एप्पल्स को छील कर सर्व करें। ऐसा करने से अब ये तो है कि जो ऊपर की स्किन है उसका जो वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो आपको ही मिलेगा, लेकिन स्किन अगर अच्छी नहीं है, उसमें पेस्टिसाइड्स हैं या फिर वैक्सी लेयर है, तो इट्स बेटर कि आप उसे हटा दें और जो एप्पल के अंदर की गुडनेस है उसे एंजॉय करें। तो एप्पल्स को अच्छे से वॉश करें और उसके बाद छीलें। पहले वॉश करने के लिए क्यों बोल रही हूँ जब छीलना ही है तो, क्योंकि छीलते छीलते हाथ स्किन पर भी लगते हैं और एप्पल पर भी लगते हैं। अगली टिप में आप सब लोग मुझसे शायद रिलेट कर पाएं। हम सोचते हैं कि नाश्ते में क्या बनाएंगे, लंच में क्या बनाएंगे, लेकिन जब तक डिनर का टाइम आता है तो कुछ सोचने की इच्छा भी नहीं होती है। और अगर पहले से सोचा हुआ नहीं हो, टाइम पर सोच रहे हैं, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। सुबह हम रोटी खा चुके होते हैं, चावल खा चुके होते हैं, तो सोचते हैं कि कुछ लाइट बनाएं। ऐसे में लौकी का एक कमाल का सूप बना सकते हैं आप, जो एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ मेरे नए द इंडस वैली टर्बो कुक स्टॉक पॉट से, जो ग्लास लिड के साथ आता है। इसकी काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है, तो लार्ज क्वांटिटीज में सूप्स एंड खाना, बिरयानी वगैरह बनाने के लिए अच्छा है। इसमें कोई केमिकल कोटिंग नहीं है, 100% फूड सेफ है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी हैंडल्स है, और जो इसके रिवेट्स हैं वो भी बहुत ड्यूरेबल है। तो देखकर भी आपको एक आइडिया आ ही रहा होगा, सामने उठाकर देखेंगे तो काफ़ी वजनदार है। ये आता है टेम्पर्ड ग्लास लिड के साथ, तो ग्लास लिड की क्वालिटी भी अच्छी है, नॉब जो है काफ़ी अच्छी ग्रिप इसकी आ जाती है। ये स्टेनलेस स्टील ट्राइप्लाई का बना हुआ है, सबसे अंदर की लेयर है 304 फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील, बीच में है एल्यूमिनियम कोर और बाहर की तरफ है 430 स्टील, जो कि इंडक्शन कंपैटिबल है, तो इंडक्शन पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे 12 प्रियंका, तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जरूर लिंक को यूज करें अगर आप ये खरीदना चाहते हैं। तो ये मेरा सुंदर सा स्टडी सा स्टॉक पॉट गया मेरे गैस स्टोव पर, और इसमें मैं बिना कोई तेल डाले डायरेक्ट लौकी डाल रही हूँ जो बारीक कटी हुई है। तो एक बड़ी सी लौकी मैंने ली थी, तो लगभग 1.5 लीटर पानी मैंने यहाँ पर डाला है, और 2 या फिर 1 हरी मिर्च आप डाल सकते हैं चीरा लगाकर, 1 बड़ा प्याज और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक बाद में भी एडजस्ट किया जा सकता है। इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे ये सूप इतना टेस्टी बन जाता है एक लौकी से, नॉर्मल सी लौकी से। तो इसे आप लौकी ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएं, जब तक कि लौकी गल ना जाए। प्याज हल्दी अदरक लहसुन के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छी खुशबू आती है इस सूप की। तो बस जब लौकी पक जाए तो हमें इसे चर्न करना है, ब्लेंड करना है। तो मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले हरी मिर्च को निकाल लिया जाए, क्योंकि हमें हल्का सा उसका तेज़ जो फ्लेवर होता है वो चाहिए, बहुत तीखा तीखा हमें करी नहीं बनानी है। बस गर्मा गर्म सूप को आप एक हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर नहीं है तो मिक्सर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सूप ठंडा होने के बाद ब्लेंड करें। तो बढ़िया सा सूप है, ऐसे ही सर्व करें, बिना तेल का बनेगा और टेस्टी भी। आज इस वीडियो में मैंने एप्पल्स छीलने की बात की, तो एक और टिप है एप्पल से रिलेटेड। मैं अपने बेटे को टिफिन में एप्पल्स देती हूँ, लेकिन एक जो कॉमन प्रॉब्लम है कि एप्पल्स जो है काले पड़ जाते हैं, उसके लिए आप ये कर सकते हैं। एक बोल में पानी लें और बहुत सारी आइस क्यूब्स डाल दें ताकि पानी एकदम ठंडा हो जाए, या फिर आप पानी को पहले ही फ्रीजर में रख सकते हैं ताकि पानी एकदम ठंडा हो जाए। हमें ठंडा पानी चाहिए कुल मिलाकर, और 2 से 3 चुटकी नमक डालें, बहुत थोड़ा सा ही नमक डालना है। अब इसके बाद एप्पल्स चॉप करके हम इस पानी में डालेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप जो भी एप्पल खाएंगे, एक तो अच्छा क्रंच उसमें ऐड हो जाएगा, दूसरी बात कि एप्पल काला नहीं पड़ेगा। टिफ़िन में अगर आप दे रहे हैं तो बस जो एप्पल है इसे निकाल दें, पानी झटका कर दे दें। जब तक बच्चा स्कूल में होगा, और इनफैक्ट बच भी गए एप्पल, तो भी एप्पल काले नहीं पड़ेंगे।
और अगर आप इस पानी में ही इसे रेफ्रिजरेटर में रख भी देते हैं तो एक दिन भी रह जाएगा। वैसे बेटर है कि फ्रूट्स को तभी कट करके खाया जाए। तो केवल 10 मिनट पानी में रखना है और एप्पल्स बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे टिफिन में, तो कोई एल्यूमिनियम फॉइल या ऊपर से नमक नींबू लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस टिप को ट्राई करके देखें, एप्पल क्रंची भी बन जाएगा और ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा। दोपहर के बाद इस गर्मी के मौसम में कुछ तो ठंडा ठंडा खाने या पीने का मन करता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, जैसे इम्पल्सिव शॉपिंग होती है वैसे ही भूख के मारे कभी कभी कुछ अनहेल्दी चीज़ें खा पी लेते हैं। एकदम ठंडा ठंडा ड्रिंक पी लेंगे जिसमें बहुत सारी चीनी होगी। तो एक तो आइडिया है कि आप आम पन्ना जैसा हेल्दी ड्रिंक बनाकर रखें। दूसरा ये तरीका है कि वाटरमेलन जैसा जो फ्रूट है इसे आप रेडी करके रखें। रेडी क्यों करके रखें, क्योंकि जब आपकी खाने की इच्छा होगी तो आपको भूख लगी है कुछ खाना है, तुरंत आपके लिए एक चीज़ तैयार होगी ताकि आप अनहेल्दी क्रेविंग में ना जाए। दूसरी चीज़, ठंडा ठंडा वाटरमेलन एकदम मतलब जन्नत लगता है। और वाटरमेलन कट करने के साथ साथ जितने हो सके चाकू की टिप से आप बीज निकाल दें, ताकि खाते समय वो बड़े से वाटरमेलन का चंक जब मुंह में बर्स्ट होगा और एक पानी का फव्वारा सा मुंह में आएगा तो बीच में ये जो बीज है ये परेशानी नहीं क्रिएट करेंगे। तो वाटरमेलन को बढ़िया से कट करें, बड़े छोटे जो आपका प्रेफरेंस हो उसके हिसाब से, ऐसे पीसेस में, और फिर एक एयर टाइट डब्बे में डाल दें। इसे आप अपने एयर टाइट डब्बे को कवर करके मतलब रेफ्रिजरेटर में रख दें, वाटरमेलन ठंडा हो जाएगा और फिर जब आपको भूख लगे तब आप इसे सर्व करें, रेडी टू ईट एंड बढ़िया स्नैक समर के हिसाब से। क्या आप भी गर्मियों के मौसम में रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ पानी पीते हैं? बॉटल्स भर के रेफ्रिजरेटर में रख दी और जब चाहिए तब निकाल कर पानी पी लिया? वेल, पानी है ना, ये आप रेफ्रिजरेटर में रख कर ना पिए, इससे ज़्यादा अच्छा हमारे देश में हमारे पास ऑप्शन है जो कि मटके का। तो मटका समर सीजन में ज़रूर निकालें, हम लोग भी बाकी के सीज़न में इसे पैक करके सुखा के अंदर रख देते हैं लेकिन गर्मी में ज़रूर यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक दो टिप और दूंगी, जैसे लास्ट ईयर मैंने बताया था कि खस की जड़ें यूज़ करें, साथ ही एक गीला निचोड़ा हुआ कपड़ा इसके अराउंड लगा दें। तो मैंने ये कॉटन की चुन्नी ली है, हमारे गांव की तरफ या फिर ट्रेडिशनली जो बोरी होती है उसका यूज़ किया जाता है क्योंकि बोरी काफ़ी देर तक पानी को अपने में रखती है। ये कपड़ा मटके को और ठंडा करने में हेल्प करता है, लेकिन ये कपड़ा भी बहुत ही जल्दी सूख जाता है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो इसे कॉन्स्टेंटली वेट रखने के लिए मैं आपको एक और टिप यहाँ पर दे रही हूँ, मैं बताती हूँ कि क्या करना है। तो आपको करना ये है कि जो गार्डन स्प्रे आता है उस गार्डन स्प्रे को यूज़ करके वापस से कपड़े को गीला कर देना है जब भी वो ड्राई हो जाए। तो ये गार्डन स्प्रे नहीं है तो आप पानी किसी और तरीके से भी छिड़क सकते हैं, लेकिन उस केस में पानी गिर सकता है यहाँ वहाँ। गार्डन स्प्रे या कोई भी स्प्रे बॉटल एक अच्छा ऑप्शन रहेगा ताकि आपका मटका हमेशा गीला रहे और ठंडा रहे। क्या आपके भी घर में एक बटर का ब्लॉक है? वेल, सच कहूँ तो जब भी ये बटर का ब्लॉक यूज़ होता है तो मुझे हमेशा ऐसे ही चाहिए होता है कि उसका पेपर सही से खोला जाए, सही से चाकू से कट करके उसे यूज़ किया जाए। फटा हुआ पेपर या फिर कैसे भी कटा हुआ बटर एक तो उस डब्बे को बहुत ज़्यादा चिपचिपा बना देता है, पूरा पेपर और डब्बा चिपचिपा हो जाता है और ये ऑर्गेनाइज भी नहीं लगता। तो कोई भी चम्मच वगैरह से बटर को स्कूप करने से ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप इसे चाकू से कट करके यूज़ करें जब भी आपको चाहिए हो। तो ये हो गई एक टिप। दूसरी टिप, अगर आप चाहें तो इसी बटर को आप क्यूब्स में कट करके एक दूसरे डब्बे में रख सकते हैं। इसका फायदा ये है कि जब भी आपको बटर चाहिए तो आप उन क्यूब्स को यूज़ कर सकते हैं, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। तो पाव भाजी के लिए मैं इस टिप को फॉलो करती हूँ। तो बटर एकदम कड़क ठंडा हो जाए उसके बाद क्यूब्स कट करें। अब जब भी आप पाव भाजी सर्व कर रहे हैं तो बटर चम्मच में अटका हुआ है, आप झटका दे रहे हैं और बटर गिर ही नहीं रहा है, ऐसा आपके साथ नहीं होगा। ठंडे ठंडे क्यूब्स को आप बस फ्रिज से निकालना और गरम गरम पाव भाजी पर डाल देना, ये अटकेंगे भी नहीं और मैसी भी कुछ नहीं होगा। आई होप आपको ये किचन टिप्स पसंद आई होंगी। सबसे अच्छी वाली टिप आपको कौन सी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।